निसर्ग हॉटेल के सामने ही अपना मेलावा होने वाला है, निर्धार मेलावा और कृतज्ञता सोलह, जो कि कृतज्ञता सोलह अगले 5-6 साल से हो रहा है जनवरी महीने में। इस साल उसके अंदर हम एक ऐड कर रहे हैं कि निर्धार मेलावा भी रख रहे हैं। पूर्ण भिवंडी लोग आम जनता के लिए भी रखा है, जो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि क्या निर्धार लेने का है, क्या निर्णय लेने का है। आने वाले चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो जो ग्राउंड के लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, क्या विविध प्रश्न आ रहे हैं आपको भी मालूम है, तो उस प्रश्न पर थोड़ा विचार होगा, कुछ तो निर्धार होगा। इसको लेकर सामने जी का मतलब क्या विचार है? वही वो चुनाव के बारे में ही उस दिन कुछ तो निर्धार करने वाले हैं 27 तारीख को। जिजाऊ क्यों नहीं मैदान में रहेगी? अगले 15 साल से जिजाऊ काम कर रही है, जो लोक प्रतिनिधि ने काम करना चाहिए वो सब काम जिजाऊ कर रही है। शिक्षण के ऊपर कर रही है, आरोग्य के ऊपर कर रही है, शेतकरी के ऊपर कर रही है, महिलाओं के ऊपर कर रही है, इस सब पंचसूत्री के ऊपर जिजाऊ अहोरात्र अगले 15 साल से काम कर रही है, तो भी हकदार है ना। 15 साल के बाद हम राजकीय नेताओं को ऑप्शन दे रहे थे, बाबा सुधरो नहीं तो फिर काम करो जिस हिसाब से, जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया है उस जनता का सेवा करना ही अपना फर्ज है, तो उनसे नहीं हो रहा है अगले मतलब गए 15 सालों से, तो अभी हम कितना इंतजार करेंगे वो, इसलिए अभी नहीं ले। पहला तो अपने को अपने लोगों की सेवा करने, आप आधा से ज्यादा लोग भिवंडी से आए, भिवंडी की समस्या मैं आपको बताने का, मुझे भी, मैं भिवंडी वासी हूँ, मुझे मालूम है कि भिवंडी तालुके में क्या प्रॉब्लम है। अपना टोरेंटो का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा है, रेती वालों का मुद्दा है, क्रेशर वालों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, जो मिल बंद हुई है वो मुद्दा है। मैडम इसमें से आधे से ज्यादा मुद्दे जो है ये राज्य सरकार के हैं, लेकिन ये जो खड़े हो रहे हैं सावरे साहब, ये एमपी के लिए कैंडिडेट ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो उसमें भी कैसे दोनों को मैच कर पाएंगे? अपने यहाँ जो आता है वो दिल्ली से ही आता है ना, अभी कौन सा नेता खुद का काम बताता है, दिल्ली का ही काम बताते है ना। जो जो मोर्चा हुआ तब जाहिर पाठिंबा तो दिया है जिजाऊ ने, मैं खुद ने भाषण किया है। जो जो मूलभूत प्रश्न है जनता के उस सब प्रश्न के ऊपर जनता जिजाऊ है ना, लोगों के साथ खड़ी हुई है, कोई भी बिल्डर के साथ खड़ी नहीं हुई है, कोई भी मतलब प्राइवेट एजेंसी के साथ जिजाऊ नहीं खड़ी हुई है, जिजाऊ तो आम जनता के साथ खड़ी हुई है। निर्धार मतलब आज जो भी समाज में दबे कुचले लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिजाऊ संगठन काम कर रहे हैं, तो निर्धार मतलब हमें एक सोच लेके आगे चलना है। मुझे क्या सोचना है कि मुझे निर्धार करना है, अगर 10वीं का बच्चा हो तो 10वीं का बच्चा उसका क्या निर्धार रहना चाहिए कि मुझे 90% मिलनी चाहिए, ये मेरा निर्धार है। इसी तरह सामरे साहब का क्या निर्धार है कि मेरे जो भी दबे कुचले लोग हैं, मेरे शिक्षा से वंचित लोग हैं, या मेरे जो भी मतलब सेवा सुविधा से जो वंचित लोग हैं, उन्हें सभी सेवा सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा भिवंडी लोकसभा मतदार संघ का पूरा विकास होना चाहिए, ये निर्धार लेके सामरे साहब आज चल रहे, इसीलिए तो समाज सेवा कर रहे ना। नहीं दादा है ना, अपने शाहपुर में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी अपना सीबीएसई स्कूल है, यहाँ 4 UPSC MPSC वाचनालय, अपने भिवंडी में 6 UPSC MPSC वाचनालय, 3 पुलिस अकेडमी, एक स्कूल है, ऐसा हर तालुका में, हर विधानसभा में है,
हॉस्पिटल के लिए यहाँ कोई जगह, अपना शाहपुर में काम चल रहा है हॉस्पिटल का, और जो कैंप लेते हैं तो अपने लोकसभा के जो भी पेशेंट है वो हम धरपोली में लेके जाके लेके आते हैं ना, यहाँ अपने पास हॉस्पिटल ही नहीं है ना। बीजो संस्था से कितने कार्यकर्ता जुड़े, बीजो संस्था से कितने लोग जुड़े हैं? लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिजाऊ संगठन और संस्था के।